राधिका फाइनली गोलू को राखी पहना देती है और खुश हो जाती है बेचारी। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राधिका को पता चल जाता है कि रानी जो है वो राधिका की सासू माँ की दोस्त की बेटी है। और ये बस सुनते ही राधिका को लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका। और उसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि यहाँ पर राधिका की जो सास है वो क्या करती है, रानी को बोलती है कि तुम जाओ दिव्यम के साथ थोड़ा घूमने बाहर। और फिर यहाँ पर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो सोचती है कि मुझे दिव्यम जी के साथ बाहर घूमने जाने का मौका मिला है। और ये बात वो बताती है राधिका को, तो राधिका बेचारी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर दिव्यम चालाकी से क्या करता है कि घूमने जाने की बात को टाल देता है और घूमने जाने से मना कर देता है। वो बोलता है कि कभी और चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये आइडिया तो सासू माँ का फेल हो गया है और रानी का भी ये आइडिया फेल हो गया है। तो अब देखते हैं आगे यहाँ पर राधिका कैसे रानी का साथ सभी घर वालों के सामने लाएगी और कैसे अपने बेगुनाही पेश करेगी, ये तो आप सभी को आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन जैसा कि हमें प्रोमो में देखने को मिला कि यहाँ पर रानी क्या करती है, जैसे ही दिव्यम सोया हुआ रहता है उसके पास जाकर वो कुछ करने लगती है और यहाँ पर राधिका कमरे में आ रही होती है। तो अब ऐसा ना हो कि राधिका को कोई गलत फहमी हो जाए दिव्यम और रानी को लेकर, जो कि आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप भी बने रहे मन अति सुंदर के अगले एपिसोड में। और ऐसे ही हमें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप सबके लिए मैं लाता रहूं।